हे गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठा हुआ है, इग्नोर दैट। तो मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ कर रही है प्रिपरेशन फेयरवेल के दिन का। तो हमारी जो सीनियर्स थी सेकेंड ईयर, उनके फेयरवेल के लिए हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था कुछ, और कुछ प्रोग्राम था। तो आपको मैं आज इस वीडियो में वो दिखाने वाली हूँ। ये हमारे ग्रुप की तरफ से ना डोर डेकोरेशन हो रहा था, ये मेरे ग्रुप ने प्रिपेयर किया था। आप विजया को देख सकते हो, वो बस स्ट्रगल आउट कर रही है पूरा डेकोरेशन के लिए। तो ये रहा हमारा डेकोरेशन जो हम लोगों ने किया था, एवरी एंडिंग हैज़ अ न्यू बिगिनिंग, तो ये कोटेशन डाला था। साथ में आप देखो स्टेज में भी डेकोरेशन हो रहा है, चेयर अरेंजमेंट और जितने भी नीचे दर्री वगैरह वो सब भी हो चुका है। लाचार अबला नारी से मिलिए, ये लड़कियां काम करती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने मिला मेरे फ्रेंड सुप्रिया से, और यहाँ पे भी प्रिपरेशन चल रहा है बुलेटिन बोर्ड का। एंड फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, यहाँ पे चैपल में उनके लिए थोड़ा सा प्रेयर सर्विस रखा गया था, ताकि उनके अपकमिंग फ्यूचर्स में न्यू जर्नी का बिगिनिंग होने वाला था, तो उसके लिए शॉर्ट प्रेयर टाइप का सर्विस डे था। एंड उसके बाद फिर हम गैदर हुए और यहाँ चैपल के पास है ना, हमें उन्हें ग्रीट करते हुए लेके जाना था हमारे हॉलवे तक। बट हम लोग जो है ना पहले यहाँ पे खड़े हुए, फिर कुछ दूर जाके फिर खड़े हुए। ये मेरी फ्रेंड है सुप्रिया, तो इससे मैं कुछ बातें कर रही थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजाक चल रहा था। ये मेरे पीछे जो फ्रेंड है स्वाति है, वो भी हाई कर रही है। तो हम लोग बहुत थक चुके थे क्योंकि हमारा जो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना था, तो ये मॉर्निंग के टाइम का है, अराउंड 9:30 या 10 के आसपास का टाइमिंग था ये। एंड यहाँ रही हमारी सीनियर्स, अभी आप देखोगे कि हम किस तरह इन्हें लेके जाते हैं। हमको भी पीछे लेना था यार सबका। कर रहे हैं in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you when your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction, only one way to describe it. हम लोगों ने प्रोग्राम के साथ साथ में शॉर्ट स्नैक्स भी अरेंज किया था, जो कि बैक स्टेज यहाँ पे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो हेल्प कर रही हैं सारे प्लेट्स में उन्हें अरेंज करने के लिए। एंड यहाँ पे चलिए अब सुनिए हमारी सीनियर दी का स्पीच जो उन्होंने दिया था उस दिन। अच्छी
साथ हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ, क्योंकि प्रोग्राम हमारा दोपहर में होना था। उसके बाद हमारा जो है ना रात का डिनर का प्लान था, जो कि हम लोगों को सेकंड ईयर्स के लिए प्रिपेयर करना था, उनको हम लोगों ने नाइट पार्टी दिया था। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल के तरफ में और हम लोगों ने ड्रेस चेंज करा था क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा था और मैं साड़ी पहनी हुई थी, मुझसे साड़ी में वर्क नहीं होता, तो फिर मैंने साड़ी वाड़ी चेंज कर लिया। एंड उसके बाद फिर हम गए हॉस्टल में एंड वहाँ पे हम लोगों ने पहले अपना दोपहर का लंच किया। लंच करने के बाद फिर हम लोग जो है ना प्रिपरेशन में लगे। तो यहाँ पे अभी जा रही हूँ मैं हॉस्टल के तरफ में। कहाँ ले गए सायमा? देखो ना तो क्या आलू परेजी और क्या फ्राई राइस, ठंडा होने के बाद नहीं अच्छा लगता है कुछ भी ना, बंद रहे क्या वो गर्म रहता है ना तो अच्छा लगता है। रुक गलत सब लगता है नीचे से खुला, इधर ही रखना पेपर में ना। पूड़ी है, सब्जी क्या रखो? देख चना है, चना भी है। इस वक्त हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था क्योंकि मैं ना उस दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं गई थी और उसके बाद फिर प्रोग्राम था। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रीब्यूट किए हैं, कुछ मैंने अपनी फ्रेंड्स का लिया है, यहाँ पे मैंने अपनी एक फ्रेंड लाइबा है उसका चावल कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर करके खा रहे हैं एक दूसरे से देख करके। एंड आप देख सकते हो मेरे पीछे भी मेरे फ्रेंड्स हैं, आप देख लो इन सभी को। अभी हम लंच कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग रात के डिनर के लिए सब कोई अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए चले गए। हॉस्टल के एंट्रेंस में ये छोटा सा बोर्ड है, उसे ओनिमा डेकोरेट कर रही थी, वी विल मिस यू वाला लिखा हुआ था, वो उसने डेकोरेट किया था एंट्रेंस में। एंड उसके बाद आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर का हाल, हम लोग सब प्याज काट रहे हैं, छील रहे हैं, आलू पटल ये कटिंग हो रहा है। आप चलो मेरे साथ अभी देखो कि हम लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। तो हम लोग सबको यहाँ पे अपना अपना थोड़ा थोड़ा हाथ बटा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को खाना बनाना था और बहुत सारे लोग थे क्योंकि 100 मेंबर्स हमारे सेकेंड ईयर से, 100 मेंबर्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर। एंड अभी आप देखो हम यहाँ पे सब्जी भी काट रहे हैं। अरे इधर छीलो, ऐसे पूरा पूरा नहीं, ऐसे ऐसे सेटों के बस। घिसते जाओ घिसते जाओ, परवल को घिसते जाओ। अरे बालू भी आ गया है, परवल ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो। कैसे दे रही है परवल सुप्रिया? कैसे देगी? इतना नहीं ले है, आलू कैसे देगी? 60 रुपया। सब्जी मंडी इतना बेचने वाली लोगे, देखो ना खरीदार कोई है ये नहीं। कैसे देगी? ज्यादा नहीं देंगे, 30 रुपए 40 रुपए। बनाने भी आ रहे सब। हमारी प्रिंसिपल भी आई थी, डॉक्टर सिस्टर शीला, एंड वो भी थ्रू आउट हमारा जो वर्क था ना उसे देख रही थी एंड हमें गाइड भी कर रही थी कि कैसे करना है। एंड यहाँ पे हमारी मेंबर्स जो हैं फर्स्ट ईयर की, वो बैलून को ब्लो कर रही हैं डेकोरेशन के लिए। एंड यहाँ पे और भी ग्रुप्स है जो कि आप देख सकते हो, आलू भी कट गया यहाँ पे, एक तरह आलू छिल रहा था, एक तरह आलू कट रहा था। एंड यहाँ पे सबको अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा था एंड सबको एक दूसरे को हेल्प कर रहा था क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में खाना बनाना था आज के दिन। एंड यहाँ पे प्याज कट रहा है, साथ में यहाँ पे सलाद के लिए आप देख लो गाजर खीरा और टमाटर वॉश हो गया है। यहाँ पे प्रियंका चिकन मैरिनेट की लेकर के बैठी हुई थी, तो यहाँ पे चिकन का प्रिपरेशन हो रहा था।
एंड वहाँ पे आपका चूल्हा भी जल चुका है। एंड साथ में यहाँ पे हमारी गीता और लुइस जो है ना, ये टमाटर और पनीर कट कर रही थी एंड प्याज भी। यहाँ पे बेसिकली पनीर का भी सब्जी बनना था जो लोग नॉनवेज नहीं खा रहे थे उनके लिए। एंड ऑल थैंक्स टू साजिया कि उसने उस दिन पनीर बनाया था एंड काफ़ी टेस्टी बना था। एंड यहाँ पे अब हम ना अरेंज कर रहे हैं चेयर्स को। एंड गाइस इस दिन क्या हुआ था, हम तीन बार इस तरीके से ना चेयर्स को अरेंज किए थे क्योंकि हम लोगों ने सोचा पहले हम ये जो ओपन स्पेस है ना वहाँ पे डिनर कराएंगे रात का। बट क्या हुआ ना, आप देखना थोड़ी देर के बाद में ना यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गया था। पहले इट मतलब ड्रिजल हो रहा था, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, बट वो इतना स्पीड हो गया ना कि फिर बाद में हमें वापस से ना इन चेयर्स को अंदर हम ले करके गए। हम लोग वेट किए कि थोड़ी देर साइड में रख देते हैं, अगर ट्रेन स्टॉप हो जाएगा तो फिर हम वापस अरेंज कर देंगे। बट ट्रेन स्टॉप नहीं हुआ तो हमें फिर से अंदर इसे लेके हम लोग गए एंड काफ़ी मज़ा आया था इस दिन। आप देख लो अभी हम फिर हटा रहे हैं चेयर्स को क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गया था। अब डेकोरेशन देखो, हम यहीं पर डेकोरेशन किए थे क्योंकि हम चाहते थे ना कि हम लोग उन लोगों को यहाँ बैठाएंगे। बट बहुत मज़ा आया था। बट मेरा उस दिन बहुत सर दर्द होना शुरू हो गया था और यहाँ पे आप देखो अभी बारिश भी हो रहा है। अभी हम लोग ना आधा काम जो है प्रोसेस में चल रहा था तो हम सब वेट कर रहे थे अब कि जल्दी से शाम हो एंड हमारा इवेंट आज का जो है ना शुरू हो। एंड यहाँ पे फर्स्ट ईयर कंप्लीट मिल करके डिनर का प्रिपरेशन की थी तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंट था एंड काफ़ी अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में। ऑलमोस्ट यहाँ पे शाम हो चुका है, आप देख लो बिल्कुल अंधेरा हो जा रहा है। अब धीरे धीरे हॉस्टल्स के लाइट भी जल चुके हैं, हमारी सीनियर्स भी आ चुकी हैं तो हमारा फंक्शन शुरू हो जाना था टाइम पे 7 आवर के आसपास में। तो यहाँ क्योंकि बारिश हो रहा था तो बहुत लोगों को आने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। आप देखो वापस ना चेयर को यहाँ पे जो हमारा डाइनिंग एरिया है वहाँ वापस फिर हम लोगों ने चेयर्स को अरेंज किया दोबारा। ये तीसरे या चौथे बार ये चेयर अरेंज हुआ था एट लास्ट। फिर हम लोगों ने सोचा नहीं अब यहीं होगा एंड यहाँ से हमारा जो है वेलकमिंग शुरू हो गया हमारे सीनियर्स को। तो अब चलिए आप इन्जॉय कीजिए आगे। बहुत अंधेरा लग रहा है, नहीं लाइट नहीं है इसमें, लाइट ही नहीं है। हाँ अब हमारा यहाँ पे डिनर पार्टी का भी स्टार्टिंग हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने सीनियर्स को वन बाय वन करके बैठाया अच्छे से अंदर एंड उसके बाद शॉर्ट प्रेयर अरेंज किया गया। शॉर्ट प्रेयर हुआ डिनर से पहले एंड उसके बाद वन बाय वन हम लोगों ने अपने पहले टीचर्स को सिस्टर्स को उन लोगों को सर्व किया, फिर हमारे सीनियर्स को सर्व किया, फिर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हमारा जो है ना डिनर पार्टी आज का शुरू हुआ। एंड इसके बाद आप देख लेना अभी हमारी ही मेंबर्स जो थी क्लासमेट्स वो ही सर्व कर रही थी खाना और प्लेस में जा कर के उन्होंने जिनको भी जो चाहिए था वो उन्हें सर्व कर रही थी। आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख लीजिए जिनको जितना मन था वो खुद से सेल्फ सर्विस भी ले सकती हैं, ले रही थी एंड बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूशन हो रहा था यहाँ पे। डिनर हमारा काफ़ी अच्छा एंड बहुत ही अच्छा सा ग्रीट आप बोल सकते हो एंड फेयरवेल हमारे कॉलेज की तरफ से हम लोगों ने दिया था हमारे सीनियर्स को। तो ये छोटा सा यू नो वार्मनेस एंड यू नो केयर एंड अफेक्शन जो हम लोगों ने इतने दिन तक अपने सीनियर्स के साथ में स्पेंड किया, एट लास्ट हम लोगों ने ये छोटा सा ऑफर करके उनको हम लोगों ने फेयरवेल दिया। एंड उसके बाद उनका एग्ज़ाम भी स्टार्ट होना था। यहाँ पे हमारी टीचर्स फैकल्टी हैं जो कि खाना खा रहे हैं एंड यहाँ हमारे सीनियर्स हैं जो कि रात का डिनर कर रही थी एंड काफ़ी मज़ा आया। आप आगे देखना, हम फिर डांस भी किया था हम लोगों ने। तो चलिए आप आगे का देखिए वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। इफ़ यू आर न्यू देन डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को एंड डू कमेंट करना अगर आप उस लाइन से हो जहाँ मेरे कॉलेज से हो तो डू कमेंट करके जाना नीचे। एंड यहाँ पे आप देख लो अब हम भी आ चुके हैं अपना डिनर करने के लिए। फिर मेरी फ्रेंड स्वाति है वो अपना खाना ले रही है एंड हमारी फ्रेंड है जो लोग सर्व भी कर रही थी कुछ कुछ
तो काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने लिया था पनीर परवल का सब्जी एंड इमली का चटनी वॉज द बेस्ट, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। एंड या यही रहा हम आज का फेयरवेल प्रोग्राम। लेकिन रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हम लोग घर जा रहे हैं, रात के 8:30 बजे, 8 नहीं 9 बजने ही वाला है।